कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा है। स्टोरी वाइज कैसी है? जैसे कि कहा जा रहा सत्य घटना पर आधारित मूवी है, कितना रिलेट कर पाया आप? हाँ, बहुत अच्छा है। मतलब प्राउड फील कर रहे हैं हम ओडिशा से। ऐसा मूवी ओडिया मतलब इंडस्ट्री में बनना बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हिंदी इंडस्ट्री में भी ऐसा मूवी बनना चाहिए। क्या लगता है आने वाले समय में हिंदी और अलग अलग भाषाओं में रिलीज होना चाहिए तो हर एक जगह? हाँ, इसको अलग अलग मतलब अभी तो हिंदी में आने वाला है और सब मतलब लैंग्वेज भी आना चाहिए। बहुत अच्छा मूवी। क्या बात है। बाबूशान मोहंती के बारे में क्या कहना रहेगा? हाँ, उनका तो एक्टिंग तो हम तो उनको पहले से जानते हैं, उनका देखते हैं मूवी, और ये उनका वन ऑफ द मोस्ट मतलब बहुत बढ़िया मूवी है। जैसे कि देखा जा रहा है कि ये मूवी बस एक ही थिएटर में लगी है, तो आपका कहना रहेगा कि मतलब हर मूवी हर थिएटर में इस मूवी आना चाहिए? पास में से कितने साल देंगे? 5/5 और मिलना चाहिए, और ये पूरा वर्ल्ड को मैसेज जाता है, तो सबको डेवलप करना चाहिए। व्हाट यू कैन से अबाउट बाबूशान मोहंती? बाबूशान मोहंती एक्चुअली ओडिशा का हीरो है। उसका ऊपर हम लोग मतलब मैं बहुत पिक्चर देखा नहीं था, बट ये देखा है। ये मतलब ठीक है, अच्छा है। अभी उनका ऊपर तो कुछ उपने नहीं कर सकते। वो आर्ट उनको और डेवलप करना चाहिए, और वो उड़िया फिल्म को आगे बढ़ाना चाहिए, उड़िया इंडस्ट्री और आगे जाना चाहिए। पास में से कितने स्टार देंगे सर? हाउ मेनी स्टार यू विल गेट ऑफ 5? क्या क्या? हाउ मेनी स्टार यू विल गेट ऑफ 5? अकॉर्डिंग टू दिस आप चले कंपेयर करेगा ना ऐसा उड़िया का हिसाब से आई विल गिव 5 स्टार। What do you feel, आप रिकमेंड करते हो लोगों को देखनी चाहिए जिस तरीके से एक ही थिएटर में मूवी अभी चल रही है? हाँ, लोगों को रिकमेंड करेंगे आप ये मूवी? हाँ, देखना चाहिए। हमारा उड़िया पिक्चर है, हम लोग नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? सबको देखना चाहिए। और जैसे कि हमारा उड़िया लैंग्वेज भी डेवलप होगा, हमारा इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, सब उड़िया में। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ओरियाज टू सी दिस मूवी। क्या बात है। हाँ, सबको मैसेज देता हूँ, सब देखे और उड़िया को डेवलप करे। थैंक यू वेलकम। हाँ, ये नेशनल अवार्ड ये बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअल रियल स्टोरी है। ये उड़ीसा का जो आदिवासी एरिया है ना, उसका ऊपर ये स्टोरी है। एक्चुअल ये जो स्टोरी है ना, पूरा नेशन को मैसेज जाता है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इतना मुंबई में रहते हैं, हम लोग इतना डेवलप है, बट हमारा जैसा आदमी ऐसा रूरल एरिया में रहता है। एक्चुअली ये पूरा गवर्नमेंट देखना चाहिए, इसका ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मतलब आज का डेट में सबका समान अधिकार है, बट सम पीपल आर दे डोंट नो व्हाट इज द राइट, हाउ टू यूज, व्हाट इज गवर्नमेंट, वो कुछ भी जानते ही नहीं है। तो इसीलिए ये मूवी जो है, इसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। ये मूवी बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड इंस्पायरिंग है। एक्चुअली मैं रेकमेंड करूंगा ये मूवी नॉट ओनली ओडिशा का अंदर सीमित रहे, ये मूवी को ऑल ओवर इंडिया हर लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि ये मूवी जो है हमारा बच्चे लोग के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। कि ऐसा डॉक्टर जो सामने आए और पूरा डिपार्टमेंट को इकट्ठा करवा रहे और उन्होंने लीड ले रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट ऊपर काम करके सक्सेस कर रहे हैं। एंड इट इज़ ए रियल स्टोरी, इट इज़ नॉट ए फेक और समथिंग, मन से कोई कहानी नहीं बनाया है। तो दिस मूवी शुड बी मतलब पैन इंडिया बेसिस में और हर लैंग्वेज में, और नॉट ओनली इंडिया, सीएम ऑफ ओडिशा इसको मोदी गवर्नमेंट जो है भी उनको देख के मोटिवेट करना चाहिए। हिंदी में तो ऑलरेडी वो आ रहा है करके, डबिंग हो रहा है करके, वही केम टू नो दैट, बट दिस मूवी शुड बी मोटिवेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, यस यस। 5 या थैंक यू।